नारी हर हाल में भारी और पुरुष सदा उसका आभारी है कि नहीं है तो अगर हम लोग भगवत गीता की बात कर रहे हैं तो सब लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं पढ़ो ये करो वो करो तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं सब लोग राइट हैंड ऊपर करिए हाँ अब लेफ्ट अब राइट साइड लेफ्ट साइड करने से क्या फायदा हुआ और लेकिन भगवत गीता पढ़ लेते तो काम बन जाता हम लोग दुनिया की इधर उधर की बातें सारी सुन लेते हैं जहां सॉल्यूशन है वहां काम नहीं करते क्राइम बढ़ रहे हैं हमेशा कहते हैं पनिशमेंट कठिन होनी चाहिए जिन देश में पनिशमेंट कठिन है वहां पे क्राइम नहीं हो रहा है हो रहा है ना हाँ रेट कम हो चाहे ज्यादा अगर एक लड़की के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो वो गलत है हम इंतजार नहीं कर सकते कि सौ के साथ गलत हो तो हम एक्सेप्ट करें वो गलत है तो सॉल्यूशन कहा है सॉल्यूशन है भगवत गीता में कैसे अगर हम लोग इसका पहला श्लोक देखें पहला श्लोक है समवेता संजय यानी संजय से धृतराष्ट्र जो कौरव के पिता हैं वो पूछते हैं कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जहां युद्ध चल रहा है वहां मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं वो ये बोल सकते थे कि हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं यानी कि उनका ये स्टेटमेंट दिखाता है कि अपने पन का अभाव है वो अपना समझ नहीं रहे हैं वो पांडु के पुत्र को अलग रख रहे हैं और अपने बेटों को अलग रख रहे हैं हर क्राइम का मेन जो कारण है वो ये अपने पन का अभाव कई बार फैमिलीज में भी क्राइम होते हैं और कई बार दोस्तों के साथ जाने पर भी कोई क्राइम नहीं होता जहां पे अपनापन है वहां क्राइम नहीं है कोई भी पिता अपने पुत्र से रिश्वत नहीं लेगा कोई भी फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड अपनी पत्नी अपने दूसरे दोस्त से रिश्वत नहीं लेगा उसका मर्डर नहीं करेगा अगर अपनापन है अपनापन नहीं है तो सारे क्राइम है चाहे वो भाई हो बेटा हो जो भी हो इसी तरह हम लोग दुनिया भर में इधर उधर घूमते रहते हैं भगवान को ऐसे प्राप्त करें वैसे करें सिर के ऊपर पैर कर लो इतना कठिन क्यों करना श्री कृष्ण कभी कठिनाई पे बात ही नहीं करते वो सरलता पे काम करते हैं अध्याय बारह अगर हम लोग देखें भगवदगीता का संतुष्ट सत्यतम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मधक्त समय प्रिय कृष्ण ने क्या बताया संतुष्ट यानी जो व्यक्ति संतोष में हो संतोष का मतलब यह नहीं कि जो मिल गया उसमें रह गए और आगे प्रोग्रेस नहीं किया संतोष को एक्सप्लेन किया महर्षि पतंजलि ने कि जो मिल गया है उसको एक्सेप्ट करो और अगले के लिए काम करना शुरू करो ना कि केवल प्लानिंग तो संतुष्ट फिर सतत यानी कॉन्स्टेंट अपने प्रैक्टिस में कॉन्स्टेंट रहे संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ निश्चय स्ट्रांग कमिटमेंट वाला हो फिर कहा मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय यानी अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दे मुझ में अर्पित करने का मतलब कि उसका ईगो ना रहे कि केवल मैं अच्छा कर रहा हूं सोसाइटी के लिए केवल मैं सर्विस कर रहा हूं तो ये ईगो नहीं रहेगा अगर हम हमारे अंदर सरेंडर रहेगा यो मद भक्त समय प्रिय ऐसा भक्त मुझे प्रिय है पूरे स्टेटमेंट में श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि कपूर जला दो और या फिर यह भी नहीं कहा कि कपूर जलाना गलत है माहौल बनाने के लिए हमें अगरबत्ती कपूर दिया जलाना है लेकिन वो दिया जब तक अंदर नहीं जलेगा ना बाहर क्राइम होता रहेगा तो क्राइम से रुकने के लिए भगवत गीता चाहिए इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन बहुत ज़रूरी है लोग कहते हैं भगवत गीता क्यों पढ़ें रिलेशनशिप इशू भगवत गीता सॉल्यूशन चैप्टर ट्वेल्व डाइट इशू भगवत गीता सॉल्यूशन चैप्टर सेवनटीन क्या करना है क्या नहीं करना है ये इशू है कंफ्यूजन है भगवदगीता चैप्टर सेकेंड भगवत गीता के हर चैप्टर हमारी यूज़ के लिए है ना कि केवल उसको पढ़ के और बन जाए परमात्मा ऐसा नहीं है डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें ये पता होना चाहिए और जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग उसका प्रयोग बंद कर देंगे एग्ज़ाम्पल हमारी पूछ है यूज़ करना बंद किए गायब भगवत गीता यूज़ करना बंद किए गायब हो रही है तो हमें यूज़ करना आना चाहिए यूज़ कैसे करना है उसका अलग अलग तरीका हो सकता है अब हम लोग अगर देखें डाइट पे ही आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिय चैप्टर सेवनटीन क्या कहा आयु आयु यानी आपकी जो आ, एज है जो उसको बढ़ाए आयु सत्व यानी आपके अंदर सात्विक एनर्जी बढ़ाए कुछ काम करने की क्षमता बल यानी एनर्जी और आरोग्य यानी रोग से लड़ने की क्षमता फिर पहला स्टेटमेंट यह है आयु सत्व बलारोग्य फिर सुख प्रीति विवर्धना यानी वो भोजन जो खाने पे आपको सुख भी मिले भगवत गीता ये नहीं कहती रूखा सूखा खा लो सुख प्रीति विवर्धना खाने के बाद सुख बढ़े प्रीति यानी प्रेम बढ़े विवर्धना यानी बढ़े फिर रसिया स्निग्धा स्थिर हृदय रसिया यानी जो लिब्रिकेटेड हो रूखा सूखा ना हो खा रहे हो तो दाल चावल फ्रूट सब कुछ खाओ ये नहीं कि केवल दो रूखी रोटी मिल जाए तो काम बन जाए ऐसा गीता नहीं कहती रूखी रोटी खाने वाले रूखी सूखी खाने वाले कभी योगी नहीं बन सकते वो कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते क्यों करेंगे क्योंकि वो उतने में गलत संतोष ले लिए हैं हमको पिज्जा खाना है तब हम उसके लिए एफर्ट डालेंगे ना इनकम बढ़ाने के लिए हमको मर्सिडीज में घूमना है तब हम एफर्ट डालेंगे ना अगर हम संतोष कर लिए कि ई रिक्शा से ही काम चल जाएगा चार पैसे भी आ जाएंगे तो फिर नीचे ही रह जाएंगे भगवत गीता आपके लिए फिर नहीं है भगवत गीता केवल उनके लिए जिनको वहां जाना है वहां का उंगली तक नहीं उससे भी ऊपर भगवद गीता उनके लिए बिल्कुल नहीं जो ऐसे रहना चाहते हैं तो रस्या हृदय प्रिया ऐसे लोगों का आहार जो होता है वो सात्विक होता है और वो लोग प्रोग्रेस करते हैं तो देखा हमने कि की गीता बताता है क्राइम कैसे बढ़ता है जब अपने पन का अभाव है माम का पांडवाश गीता बताता है भक्त कौन है यो मत भक्त समय प्रिय गीता बताता है कि डाइट कैसी होनी चाहिए यानी गीता सब कुछ बताता है हमें नहीं पता कि ये सब कुछ बता रहा है हम कभी किसी चीज़ के लिए किसी के पास जाते हैं किसी चीज़ के लिए किसी के पास आज से हम लोग किसके पास जाना चाहिए भगवद गीता खुद नहीं समझ में आ रही संस्कृत कोई नहीं ट्रांसलेटेड और इतनी सारी चीज़ें सबको पढ़ डालें ना तो इसीलिए वेदव्यास ने कहा था कि जो भी चीज़ महाभारत में वही धरती पर होगी जो महाभारत में नहीं है कभी नहीं होगा उसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी क्राइम हम लोग अगर फीमेल के प्रति देख लें तो जो महाभारत में एक्सट्रीम हुआ महाभारत जो संसद भवन था वहां पे चीर हरण हुआ था यहाँ के संसद भवन में नहीं हुआ और होगा तो मैक्सिमम वही और हमें उसका इंतजार नहीं करना हमको उसको तुरंत ही रोक देना है इसके लिए हमें भगवद गीता का अध्ययन करना जरूरी है नमस्कार